हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मैथ्स के शिक्षण शास्त्र मीन्स पेडागॉजी का पार्ट नंबर 6 है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। और ये 30 के 30 जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या फिर बिहार टेट, सारे एग्जामों के मिक्सअप क्वेश्चन हैं। ठीक है, जहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो टोटल 30 क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं। और इस 30 के 30 क्वेश्चन में से कम 25 प्लस क्वेश्चन बनने ही चाहिए। इससे ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी एक बेटर चल रही है, अदरवाइज आपको और पढ़ने की आवश्यकता जरूर होगी। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट तो कर रहे हैं, परंतु आप पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से आंसर लगाइएगा, और उसके बाद ये देखना है आपको कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं और कितने नहीं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस लेक्चर में कुछ कमी तो नहीं है। यदि कमी हो तो हम जरूर आने वाले लेक्चरों में पूरी करेंगे, परंतु आपको पूरे पूरे क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आपको एक अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं जो टेट के, उनमें क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। तो आई होप इनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो आप पूरा पूरा लेक्चर लगाएं, और हो सके तो दो बार रिवीजन कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको एग्जाम में अच्छा खासा एक फ़ायदा मिलेगा, और क्वेश्चन लगाने का तरीका भी आपको इससे ज़रूर मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं पहले क्वेश्चन का, कि निम्न में से कौन एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका आंसर सारंगदेव। ठीक है, तो सारंगदेव एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। बाकी महावीर और बौद्धायन और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों भारतीय गणितज्ञ में से एक है। बाकी जो सारंगदेव है वह भारत के गणितज्ञ नहीं है, या भारतीय गणितज्ञ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है। ठीक है, तो जो गणित में यदि बेहतर होना है तो उसे क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका आंसर। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ठीक है, तो जो गणित में बेहतर होता है उन्हें यह गुण उसमें होना ही चाहिए कि अमूर्त चिंतन। ठीक है, मतलब यदि हम कोई फॉर्मूला बेस बात कर रहे हैं यार, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मूर्त रूप क्या होगा। तो अमूर्त चिंतन, या फिर हम रेखा गणित की बात कर रहे हैं, त्रिभुज चतुर्भुज या त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, तो उसमें अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी फॉर्मूले की अगर बात करें तो उसका दैनिक जीवन में कहाँ यूज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक गणित में बेहतर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति, शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनको ज्यामिति, शब्दावली और उनके अर्थ को समझने में कठिनाई होती है, उनकी समस्या, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करके खुद से चार ऑप्शन पढ़ें। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अधिक से अधिक गतिविधियाँ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यामिति अच्छी करनी है तो अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए एक टीचर को, जैसे वर्ग पहेली, जिस पर पहेली आदि बनाना या हल करना, इस प्रकार की गतिविधियाँ टीचर को कराना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा ज्यामिति में कुछ अच्छा कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय कारण कैसे किया जाता है। ठीक है, गणितीकरण कैसे किया जाता है, ये ऐसा कुछ होगा कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, ये गणितीकरण है, गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था यार कि गणित जानने से अधिक उपेक्षा यह है, या अधिक अच्छा यह होगा कि गणितीकरण होता कैसे वह जाने, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेविड विलर ने। ठीक है, तो डेविड विलर ने कहा था कि अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी होगा कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, डेविड विलर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो जाएगा कि विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्म की जयंती की स्मृति पर। ठीक है, तो जो श्रीनिवास रामानुज की जयंती होती है 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है, तो विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती की
जन्म की जयंती की स्मृति में CBSE, ठीक है, CBSE ने गणित वीक, ठीक है, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर गणित का क्या अर्थ है, ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो जब आप अपने आंसर लगाया होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर, जो गणित का मतलब है यहाँ पर संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, ठीक है, तो संख्यात्मक नवाचार और शिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, ये गणित का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर, कथन कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक विषम संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। यार ये गलत लिखा है यहाँ, क्योंकि मतलब लिखा सही है, बाकी प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु किया जाता है, ठीक है, मतलब इसके हम गलत ठहरा सकते हैं किसके द्वारा, कि प्रत्येक विषम संख्या प्राकृत या प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। यार 9 भी विषम है परंतु ये भाज्य संख्या ना कि अभाज्य, वैसे 15 भी एक विषम संख्या है परंतु ये भाज्य है, तो इसका खंडन किस विधि द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, प्रतिस्थापित द्वारा या प्रतिस्थापित द्वारा उत्पत्ति से हम इसको खंडन कर सकते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या भाज्य संख्या या सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की गणित में दुश्चिंता, ठीक है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, तो गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग, ठीक है, तो गणित की दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, तो लिंग, बाकी पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और परीक्षा पद्धति, ये सारी गणित से संबंधित है, बाकी लिंग गणित से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू है ये, ठीक है, पहला नहीं, ये पहलू हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है, तो चारों ऑप्शन आप पढ़ के आंसर लगाइए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, माप, ठीक है, बीजगणित में माप की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है, मानसिक चित्रण की और क्रम परिवर्तन की आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता नहीं होती है किसमें, बीज गणित में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है, ठीक है, तो इतने जो टोटल पद दिए हैं जैसे समतल, बिंदु, रेखा और चतुर्भुज के विकर्ण, इनमें से कौन सा पद परिभाषित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर, बिंदु एक परिभाषित प्रमाण है मैथ्स का, बाकी जो समतल है, समतल भी बिंदुओं से मिलकर बनता है, रेखा भी बिंदुओं से मिलकर बनती है, जबकि चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो भी बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन के अनुसार परिभाषित क्या है, केवल और केवल बिंदु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की गणित के परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो गणित के परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यार वीडियो पोस्ट करने के बाद आप खुद आंसर लगाइए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आंसर, गणित के अंक प्राप्त करना आसान होता है, ठीक है, तो गणित या तो वैसे होगा गणित में अंक प्राप्त करना आसान होता है, यह गलत है, ठीक है, बाकी यहाँ पहला हो जाएगा अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है, अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि गणित परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो गणित में अंक प्राप्त करना आसान होता है, या आप खुद भी जानते हैं कि गणित में अंक प्राप्त करना आसान नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ज्यामिति की उत्पत्ति लिखना संकेत करता है, ठीक है, तो ज्यामिति की उत्पत्ति लिखना संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कथन के तर्क या उचित को, ठीक है, तो कथन के तर्क या उचित को, तो यदि यार ज्यामिति की उत्पत्ति लिखना अगर आप बात कर रहे हैं उत्पत्ति की, तो इसमें कहीं ना कहीं एक कथन दिया रहता है, एक प्रमेय दी रहती है, उसमें तर्क लगाने के बाद ही आप उत्पत्ति कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कि ज्यामिति की उत्पत्ति लिखना संकेत करता है, तो कथन के तर्क या उचित को।
आगे देखते हैं, सॉरी वो उचित की जगह औचित्य था ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा यहाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ भारतीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ या गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, श्रीनिवास रामानुज थे 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हम इसे करवा चुके हैं। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनके संबंध बनाना। ठीक है, उनसे संबंध बनाना, तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए उनकी अवधारणा को समझना, लागू करना और उनके संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष वर्ग की है निम्नलिखित में से किस समुदाय के प्रवीण है। ठीक है, तो संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रवीण है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। ठीक है, तो पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, आकृतियों के निम्नलिखित में पहलुओं से किसका प्राथमिक स्तर में कोई संबंध नहीं है। हम ये बोल सकते हैं आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर, यार आप देखो प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो उसमें कोण का कोई रोल काल नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो कहीं पर भी कोण की बात नहीं की गई है, मतलब प्राथमिक स्तर पर पैटर्न सिखाया गया है, सम्मति सिखाई गई है और चौपड़ सिखाया गया है, कोण की कोई बात नहीं है, इसलिए कोण से कोई संबंधित नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की गणित में भयभीत होने और उनसे असफल होने के लिए निम्नलिखित में से, ठीक है, उन के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जा सकता। यार तो गणित में भयभीत होने और उनमें असफल होने के लिए निम्नलिखित जो कारण है इनमें से कौन सा कारण नहीं माना जा सकता, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आ जाएगा डी, लैंगिक भेद। तो लैंगिक भेद के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि वो गणित से डरे या गणित में असफल हो, क्योंकि टीचर तो सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाता है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। तो यार प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से पांचवी तक गणित की जो पहेलियां है वो किसमें मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, तो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में मदद करती है कौन, तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा कि गणितीय संचरण उल्लेख करता है। ठीक है, तो जो गणितीय संचरण उल्लेख करता है तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, तो जो गणित संचरण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। अगला देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है, मतलब यार जोड़ना घटाना गुणा भाग ऐसे सारी संक्रियाएं, चारों संक्रियाएं पूर्णांकों में भिन्नों में और दशमलव में यदि कोई स्टूडेंट ये सारी चीज़ें कर ले रहा है तो वह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो वह आएगा संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, वह बच्चा है, इसीलिए चारों संक्रियाओं का यूज वो पूर्णांक भिन्न और दशमलव में कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, हम पहले लेक्चरों में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, तो इस प्रकार की पुस्तक सबसे बेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि वैदिक गणित
आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करता है? यार तो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, आपको कैलकुलेशन की स्पेशली ट्रिक की, और बच्चे का रुझान ज़्यादा है जिन्हें ही वैदिक गणित कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। गणित में गणना के कौशल तथा गति को बढ़ाने के लिए हम वैदिक गणित का यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चों का रुझान इस ओर ज़्यादा है। किसमें? गणित में गणना और कौशल की गति को बढ़ाने के लिए, इसलिए वैदिक गणित आजकल के बच्चे ज़्यादा इस ओर रुझान है उनका। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलिया संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, ठीक है, तो जो कोई कक्षा है तो कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलिया संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्या होता है यार, बच्चों का अगर मनोरंजनात्मक होगा तो उनकी सारी चीज़ें, मानसिक विकास होगा एक अच्छे से, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें उनको हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक होगा, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के स्थानिक और विश्लेषणात्मक मतलब उनने सोचने की जो क्षमता है, योग्यता है, उनके संवर्धन में सहायक होगी यदि गणित में मनोरंजनात्मक क्रियात्मक और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप करवाए जाए तो। क्या होगा? तो उनमें स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता मतलब चिंतन करने की योग्यता का एक विकास होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित, ठीक है, एक बच्चा जो जिस कक्षा में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्य की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है, ठीक है। तो एक ऐसा बच्चा यार जो कि सभी संक्रियाएँ सॉल्व कर पा रहा है तो वो किस अवस्था में है? तो वह आ जाएगा संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग चारों चीज़ें वो कर पा रहा है तो वह किस अवस्था के अंतर्गत है? संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 की प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों को एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि संख्या में, संक्रियाओं में, चिन्हों में और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में समस्या है? तो उसे दृश्य प्रक्रमण में उसको समस्या है, इसीलिए वह सारी चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि कक्षा चौथी या कक्षा फोर्थ के पाठ्यक्रम पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो यार यहाँ पर स्पेशली एक चीज लिखी है, बहु अनुशासनात्मक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आंसर, भारत के झंडे का आरेखण बनाएं और झंडे की सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान करें। यार तो यदि वो झंडा बना रहा है तो उसे अनुशासनात्मक चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एक अनुशासन में रहते हुए उन्हें झंडा जब बनाएगा तो पूरी ये जो लाइनें हैं इनके बीच में गैप बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ जो तीलियाँ बनाई रहेगी उसमें भी एक अनुशासन की ज़रूरत है कि टोटल 24 तीलियाँ हो और प्रत्येक के बीच में गैप बराबर हो, इसीलिए कक्षा चौथी के एक बच्चे को अगर अनुशासन में रहते हुए कोई एक समस्या को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं यार वो तो नॉर्मल है, कोई भी बना लेगा। एक दर्पण की छवि प्रतिबिंब बनाइए या दी गई आकृति में सममिति रेखाएं खींचिए, इसमें गलती हो सकती है परंतु इसमें कोई गलती नहीं करना है, उस बच्चों को अनुशासन में रहते हुए करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि गणित के प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ है, ठीक है। तो जो गणित में है प्रक्रमण संबंधित प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियां, या फिर कलन गणित का ज्ञान होना मतलब घटाने का, और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन खालिस्तार की ओर संकेत करता है। यार तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, इससे पहले भी हम इसे कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने योग्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, मैथ से सिंपल होगा। फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया, ठीक है, फरहान एक स्टूडेंट है,
जिन्होंने विद्यालय के पुस्तकालय पर में जाने पर यह पाया कि अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो चुकी है, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है कहाँ गई है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है जबकि 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, पुस्तकालय में कुल कितनी कहानियाँ के पुस्तक कितनी पुस्तकें नहीं थी। शिक्षक स्पष्ट द्वारा, ठीक है, शिक्षक स्पष्ट द्वारा निम्नलिखित में से कुछ मूल्य को पढ़ा जा सकता है। तो यार चारों ऑप्शन देखिए, तो यार बच्चे ने ये सारी समस्या अगर टीचर को बताई तो निम्नलिखित में से कौन सी समस्या ऐसी होगी जिसे बच्चों को टीचर को समझना चाहिए या बच्चा बताना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। इस ओर बताना चाह रहा है कौन, बच्चा, कि अगर पुस्तकों की अच्छी देखभाल होगी तो पुस्तकें खराब नहीं होगी या फिर कहाँ गई, ये सारी चीज़ें बताना चाह रहा है बच्चा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5+3 बराबर से क्वेश्चन मार्क, इससे सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यार तो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कोई दो संख्याएं बताइए जिनका योग कितना हो, 8 हो, ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ठीक है। मतलब हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर 5+3 8 तो होता है, बराबर से अगर क्वेश्चन मार्क है, समझना, 5+3 8 है, बराबर से क्वेश्चन मार्क है, मतलब हम 1+7 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 2+6 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 5+3 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, तो मतलब 5+3 का योग 8 तो है, बराबर से क्वेश्चन मार्क, मतलब किन्हीं दो संख्याओं को ऐसी बताइए जिनका योग 8 हो, ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि कक्षा 3 में गुणन के इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, तो कक्षा 3 की बात हो रही है जिसमें गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, गुणन के गुणधर्म के गुण और समूहन का गुण ये बताना चाह रहा है। मतलब कक्षा 3 में गुणन की इकाइयों में अनुमोदित मूल संकल्पना है, तो गुणन के गुणधर्म के गुण और समूहन गुणन। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भिन्न भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, यह प्रश्न संकेत करता है। मतलब शिक्षक ने कहा कि आप भिन्न की सूची बनाओ और उसमें से 5 भिन्न की सूची बनाकर लाना है, तो शिक्षक ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो यार इससे सोचने के निम्न स्तर का विकास होगा, ठीक है, यदि शिक्षक कुछ करने के लाने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताएं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जो भी कमी रही हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले लेक्चर में बिल्कुल सुधार देखने को आपको जरूर मिलेगा, और ये सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपको मैथ्स की पेडागॉजी के सारे क्वेश्चन तो हम करा ही देंगे, बाकी आपको पेपर में एक अच्छी खासी हेल्प भी मिलेगी। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।